Hey, y'all, come look at this. Agla prashn, aapke screen ke upar ye raha. ओहो, ये तो ऑडियो प्रश्न आ गया. ये गाना किस फिल्म से है? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा. गाना सुना जाए कंप्यूटर जी. तो गाइस कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं शादी के बारे में. आज हम देखेंगे नहीं बल्कि सिर्फ बात करेंगे. अब यार बॉयज में शादी के मामले में दो तरह के बॉयज होते हैं. एक होते हैं जो शादी में जाना पसंद करते हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है, और दूसरे होते हैं मेरी तरह जिनकी शादी नाम से ही जल जाती है. अभी मजा आएगा ना. मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया. YouTube के थ्रू नया परिवार है बना लिया. पहले बात कर लेते हैं शादी पसंद करने वाली कैटेगरी की. ये घर में चुपचाप बैठे रहते हैं, तभी इनसे कोई आके कहता है, बेटा तुम्हें मामा के दोस्त के भाई के बेटे के दोस्त की शादी में जाना है. तब भैया मन में लड्डू फूटने लगते हैं और ख्याली पुलाव पकने लगते हैं. हम तो शादी में जाएंगे, वहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ होंगी, अच्छे अच्छे पकवान होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, नए नए दोस्त होंगे, खूब मजा आएगा. अब कुछ इस तरह का पैटर्न मारकर वो शादी में जाते हैं. लड़कियां उन्हें देखकर हंसती हैं और ये समझते हैं लड़कियां मेरे को लाइन मार रही हैं, और शर्माते शर्माते इनका पूरा दिन गुजर जाता है. लेकिन सबसे बड़ी बात, वहाँ पर जो लोग होते हैं ना, वो भी इसकी तारीफ करते हैं. देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितना शर्मीला और सीधा साधा है. आते हैं यार दूसरी कैटेगरी पर. हम आराम से सोफे पे बैठकर मोबाइल चला रहे होते हैं और पापा आते हैं, बेटा तुम्हें मामा की शादी में जाना है. दिल से एक ही आवाज निकलती है, अबे यार इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई कर लूँ. अब डरते डरते हम पापा से बोलते हैं, पापा पढ़ाई करनी है. पापा भी बोलते हैं, मोबाइल दे दो, तुम घर पर पढ़ाई करो. अब यार मजबूरन शादी में जाना पड़ता है. बाल बाल बना के पैटर्न मार के शादी में पहुँचते हैं. वहाँ पर सबसे पहले रिश्तेदार मिलते हैं, और आपको तो पता ही होगा वो क्या पूछते हैं. बेटा क्या पढ़ते हो, रिजल्ट कैसा आया, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए था, इसमें स्कोप है. अब इन सब से बोर होकर हम दूर कहीं कोने में जाकर एक चेयर पर बैठते हैं आराम से. हमारे पास टाइम पास के लिए बस एक ही उम्मीद होती है, मोबाइल. जैसे ही हम मोबाइल निकालते हैं और थोड़ा सा चलाते हैं कि तभी एक बच्चा प्रकट होता है. भैया भैया गेम लगा कर दीजिए ना. अब यार उसको इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि रोते हुए और हमारी तरफ इशारा करते हुए वो पूरी पब्लिक में हल्ला मचाते हुए जाएगा. अब उदासी की हालत में हम उसे मोबाइल दे देते हैं और मुंह बना के बैठ जाते हैं. तभी सामने कुछ लड़कियां दिख जाती हैं. अब भैया बाल वाल सही करके हम लड़कियों को लाइन मारने लगते हैं. लेकिन लड़कियां ऐसे इग्नोर करती है जैसे हम शुरू में यूट्यूब ऐड को. लेकिन एक न एक लड़की ऐसी मिल जाती है जो मुस्कुरा ही देती है. बस भाई अब पूरा दिन उसी के चक्कर में कट जाता है. फिर घर जाने का टाइम आता है और हम सोचते हैं कहीं से मिल जाए तो नंबर मांग लिया जाए, लेकिन वो नहीं मिलती. लेकिन भैया लड़के कहाँ इतनी आसानी से हिम्मत हारते हैं. सोचते हैं कहीं रास्ते में मिल जाए तो इशारे इशारों में नंबर मांग ले. लेकिन इतनी अच्छी किस्मत कहाँ भगवान ने दी है. और फाइनली फिर घर आ जाता है और हम घर पहुँच जाते हैं. और रात भर यही सोचते रहते हैं, काश नंबर दे दिया होता, काश प्रपोज कर दिया होता, और सपने देखते देखते सो जाते हैं. यार ज्यादातर लड़के ना लड़कियों के चक्कर में ही शादी में जाते हैं. आप भी जाते हो ना? जाते हो ना? जाते हो ना? नहीं. वेल गाइस आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक मारो यार. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ. तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए. ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के तो करना. परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए.